मोदी सरकार ये काम बहुत दिनों से कर रही है, आरएसएस का पूरा एजेंडा है और वो संविधान पर बदलने पर पूरा काम कर रही है। अभी 128 में बिल आया है महिला आरक्षण के लिए, उन्होंने महिला आरक्षण का काम किया है। महिला इस वजह से, जैसे पहले ईडब्ल्यूएस आया था, ईडब्ल्यूएस भी पूरी तरीके से उन्हीं लोगों के लिए था, अभी महिला आरक्षण आया है उन्हीं लोगों के लिए है। इन्होंने कभी भी इसमें ये बात नहीं करी जो एससी एसटी और ओबीसी की महिलाएं हैं उनको कहां पर क्या नाम है वो मिलेगा, कहां पर स्थान मिलेगा, कितना स्थान मिलेगा। जो इसमें 52% ओबीसी हैं और 22.5% एससी एसटी हैं, उन महिलाओं क्या मिलेगा। तो ये पूरी तरीके से हर रोज़ ये काम कर रहे हैं और 128 बिल पेंडिंग में है, 128वां बिल है और हर रोज़ 107 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन ओबीसी तो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे एक भी। नहीं, वो आवाज़ क्यों उठाएंगे, वो तो चाहते हैं। हमारे यहाँ पर मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है और ये भीम आर्मी जैसे लोग संगठन और बहुत सारे संगठन जो हमारे नागपाल जी ने बताया था एक बार जो है 24 लाख संगठन इस समाज में काम कर रहे हैं जिसमें 4 लाख सक्रिय हैं, उन सबसे अनुरोध है मेरा और भाई नागपाल जी की बात को भी सब लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो इसका क्या नाम है विरोध करें और इसके खिलाफ करें कि जो काम या तो सभी महिलाओं को उसमें क्या नाम है हॉरिजॉन्टली और उसमें वर्टिकली आरक्षण को देखते हुए सभी महिलाओं को एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को उसमें स्थान मिलना चाहिए, अन्यथा उसका अपोज करेंगे और भाई नागपाल जी बात को मात्र करना चाहता हूँ। लेकिन अब से पहले चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, वो कहते थे कि हमें कोटे में कोटा नहीं चाहिए, हमें लक्ष्य 33% आरक्षण चाहिए सदन में। 33 नहीं, हम तो 52-50% के पक्ष में हैं। अगर महिलाओं को यहाँ पर जो उसमें आरक्षण मिलता है तो एससी एसटी ओबीसी स्थान मिलना चाहिए वहाँ पर जो है, और क्योंकि इसके नाते अभी मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो 100 से ऊपर ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और वो पार्लियामेंट जाएंगी, अपनी आवाज़ उठाएंगी और आवाज़ उठाने का सबसे बेहतरीन मौका मिलेगा इस चीज़ के लिए। अभी हमारे जो लोग हैं आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं और ये नॉमिनेशन वाला क्या नाम है रिप्रेजेंटेशन है, नॉमिनेशन वाला रिजर्वेशन है जिसके तहत ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। मेरा मानना है कि रियल रिप्रेजेंटेशन के लिए जिसकी बात बाबा साहब ने की थी उसके तहत हमारी महिलाओं को इसमें क्या नाम है स्थान मिलना चाहिए। लेकिन जो एससी एसटी की महिलाएं जाएंगी सदन में अब आरक्षण के दम पे, क्या कुछ उनकी स्थिति सुधरेगी देश में? हाँ, निश्चित रूप से सुधरेगी नहीं, पूरी तैयार हैं और हमारी जो महिलाएं हैं एससी एसटी ओबीसी की और पूरी तरह से कैडराइज हैं, पढ़ी लिखी हुई हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हमारी जो 41 यूनिवर्सिटियाँ हैं देश की उनसे पढ़ी हुई हैं, वो तैयार हैं और वो पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार हैं, वो हर रोज़ आवाज़ अपना उठा रही हैं वो। लेकिन 100 दलित सांसद है, वो कितना काम कर रहे हैं समाज के लिए? हाँ, ये तो दलित, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, दलित सांसद हैं, ये नॉमिनेटेड सांसद हैं उन लोगों द्वारा, क्योंकि ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट का मामला है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट के द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया है। ये वास्तविक प्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वास्तविक रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कैडराइज करके ऐसे लोगों को वहाँ पर भेजा जाए और ये इसमें मातृशक्ति हमारी आएगी, मातृशक्ति अभी जैसे हमारी बहन ऋतु वहाँ पर बैठी हुई है क्या नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वो अपनी पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठा रही है, उनका समर्थन करते हैं। ऐसी महिलाओं को, ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं बहनों को अगर समर्थन मिलता है उन लोगों को, हम चाहते हैं कि वो लोग जाएं और वो अपने पूरा आवाज़। लेकिन 78 सांसद हैं आज की डेट में लोकसभा में, उसमें से 40 अकेले बीजेपी की हैं, वो कितना काम कर रहे हैं देश में समाज में? हाँ, ये मैंने कहा ना, वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है उनका, वो पूरी तरीके से बनाए हुए कठपुतली हैं, वो उनके इशारों पर काम करते हैं, वो लोग उनके लिए हमारे लिए रियल रिप्रेजेंटेशन काम नहीं करते हैं। इसीलिए एक दिन की बात है, नागोपाल भाई साहब ने अभी 4-6 दिन पहले कहा था कि ऐसे लोगों को ढंग से छेदा जाना चाहिए, जो 131 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये खुल के कहा था नागोपाल जी, मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इनको फ़ोन भी किया था भाई साहब को कि अपने इतनी बड़ी हिम्मत की ये लोग जो नालायक लोग वहाँ बैठे हुए हैं, 131 बोलते नहीं हर रोज़, अभी स्पेशल सेशन चला है, उससे पहले सेशन चला था, मानसून सेशन चला, उन नायलाकों में से एक भी सांसद वहां पर नहीं बोला है और ये सबके सब जो कहना तो बोलते हैं, इनको बोलना भी नहीं आता है और बोलते हैं भी, ये तो है तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, एक दो लोग बोलते हैं, ये चुनते ही कांग्रेस हो बीजेपी हो जितनी पार्टियां हैं वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो वहां बोल ना पाए, उनको बोलना नहीं आता हो और कोई बोलना भी आता है तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है। जैसे एक बार क्या नाम है गुजरात में एक बंदा था जिसको इंदिरा गांधी ने पार्टी से बाहर कर दिया था और उसको बोलने के पर उसने बोला था और इंदिरा गांधी से बगावत की थी, उसने पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन बहन जी को भी कहां बोलने दिया गया था 2017 में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सदन से। हाँ, बहन जी जैसी नेता जिन्होंने क्या नाम है इस्तीफा दिया था, उन्होंने इसी बात के लिए इस्तीफा दिया, उनको बोलने दिया गया था। सोचिए, मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है तो और किसी को बोले, इसीलिए ये रियल रिप्रेजेंटेशन बहुत आवश्यक है। हमारी अधिक से अधिक संख्या के लोग जो संख्या में मात्रा में बहनाएं जाएंगी वहाँ पर आवाज़ उठाएंगी और उनका क्या गारंटी है वो बोलेंगी समाज में देश के लिए? आज नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे, क्योंकि हर रोज़ मैं देख रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, हर रोज़ क्या नाम है शिक्षा का स्तर इतना बढ़ रहा है, हर लोग जागरूक हो रहे हैं, हर लोग हम बहुत लोग, आप जैसे लोग, आप जैसे मीडिया लोग, आप जैसे राहुल नागपाल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग तराश रहे हैं, ऐसे लोग निकाल रहे हैं और इन्हीं से ये लोग घबरा रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये लोग आएंगे पार्लियामेंट में जाएंगे संसद में जाएंगे आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये परिवर्तन होने वाला है निश्चित रूप से। लेकिन जो नया संसद में गए हैं सभी जो सदस्य हैं वहाँ पर एक संविधान की कॉपी दी गई है सभी सदस्यों को,
उस संविधान में ना तो सेकुलर वर्ड है और ना सोशलिज्म वर्ड है, समाजवाद भी नहीं है, वो गायब कर दिए गए दोनों शब्द इसमें से। पूरी तरीके से मुझे मालूम है आपने जो बात की वो सही है और मैं अच्छी से इसका समर्थन करता हूँ। ये लोग धर्म निरपेक्ष जैसे शब्दों को, समाजवाद जैसे शब्दों को, लोकतंत्र शब्दों को वहाँ से हटा रहे हैं और ये पूरी तरीके तैयार बैठे हैं। अभी एक क्या नाम है जो था ओबराय नाम का, एक क्या नाम सेक्रेटरी था, उसके मुँह से बात लीक हो गई थी, दरअसल ये छलक गई थी, ये बात हकीकत है। क्योंकि वो जो ये लोग करने वाले की जो मंशा है वो निकल जा रही है, वो रोक नहीं पा रहे हैं, उनकी पूरी मंशा है। मेरा सबसे आग्रह है पूरे समाज के, बहुजन समाज के लोगों से कि भाइयों अगर आज आप नहीं जागे, अगले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, अन्यथा ये लोग संविधान ही नहीं सब बदल देंगे। पूरी तरीके से इन लोगों ने ये काम कर रहे इस तरीके, जैसे राष्ट्रपति जी को भी क्या नाम है पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता है, सेंगोल जैसे उसमें क्या नाम स्थापित कर दी जाती है, तो इनकी मंशाएं बहुत खतरनाक है। ये पूरी तरीके से गोल बोलकर की विचारधारा काम कर रहे हैं, RSS विचारधारा काम कर रहे हैं और मोहन भागवत जैसे और क्या नाम हेडगेवार जैसे लोग विचारधारा काम कर रहे हैं, ये तैयार बैठे हैं। संविधान को बदला जा रहा है, नया भारत है, ये आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। लेकिन जो SC ST OBC के लोग हैं, अधिकारी हैं, जो संविधान के दम पर आगे पहुंचे हैं, वो कहीं विरोध करते नजर नहीं आ रहे इन बातों का सड़क पर आकर के? हाँ, मैं उनसे ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जो सेक्रेटरीट लेवल पर हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल पर हैं, डायरेक्टरशिप पर हैं या और बहुत सारे डायरेक्टर वगैरह, वाइस चांसलर वगैरह हैं या प्रोफेसर वगैरह हैं, वो लोग उनके अपने हाथ बंधे, वो लोग सोचते हैं ऐसा है, उन्होंने अपनी खुद की बोलने की क्षमता को क्या नाम कम तरांक लिया है, वो चाहते नहीं है बोलना, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कमजोर हैं या मैं कमजोर हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। मेरा उनसे आग्रह है कि आप जैसे लोग, आज बाबा साहब ने कहा था कि 10 वकील 20 इंजीनियर 30 डॉक्टर हों, तो आज तो ऐसे हजारों लाखों समाज में है, SC ST OBC और माइनॉरिटी बहुजन समाज में हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं, और मैं उनसे कहता आता हूँ कि कब तक आप अपने जमीर को क्या नाम है बचा के रखो, कब तक अपना जमीर आपको धक्का नहीं रहा, आओ बाहर निकलो और निकलो लड़ो इन बेईमानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। एक और बहस छिड़ी हुई है सर देश में कि जो सनातन है उसको डेंगू बीमारी बता दिया है उदयनिधि स्टालिन ने। हाँ, स्टालिन डेंगू बीमारी नहीं, डेंगू से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। और जो सनातन धर्म शब्द, ये सनातन शब्द असलता ये हमारा शब्द है, ये बौद्ध धर्म का शब्द है, एस धम्मो सनातनो नाम का जो शब्द है, और ये सनातन का मतलब लगातार कंटिन्यूस एटर्नल लगातार चलता रहे, आगे तक चलता रहे बिना किसी परिवर्तन की। तो ये शब्द हमारा इन्होंने हमसे छीना और हमारी इस चीज पर व्यवस्था कायम किया। तो आज ये जो सनातन शब्द जो उन्हें उदयनिधि ने कहा है और प्रकाश राज ने भी उसका समर्थन किया है और मैं भी यहाँ समर्थन करता हूँ, ये डेंगू नहीं, डेंगू से भी खतरनाक वायरस है और उसको क्या नाम है समूल नष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं सनातन का, धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो 1,000 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं, गर्दन काटने का, जीव काटने का सनातनी लोग है जो। कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये वही लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हमारी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है, इतना प्रेषित हो चुका है हमारा विचार चारों तरफ, आप जैसे लोग का मैं धन्यवाद देता हूँ, आप जैसे लोग रात और दिन लगे हुए हैं, और डरने की आवश्यकता नहीं, हम हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में पूरी तरीके से साथ हैं। लेकिन सनातन में जो बीमारियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं सनातनी लोग? ये खत्म इससे, अगर वो बुराइयां बुराई हो जाए खत्म हो जाएंगी तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनका सर्वोपरि खत्म हो जाएगी, इनकी श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। ये लोग चाहते हैं कि वो कायम रहें और हमारे जैसे लोगों के साथ में वो डिस्क्रिमिनेशन करें और भेदभाव करें और हम जैसे लोगों को कम तक, हमारी मेंटली, हमारी मानसिक, हमारी माइंड पर उन्होंने क्या कब्जा कर रखा है, हमारे माइंड में वायरस डाल रखा है कि तुम कमजोर हो, तुम बेकार हो, तुम क्या नाम है वो हो। तो इसीलिए मेरा उन लोगों से आग्रह है कि वो लोग पूरी तरह से तैयार रहें इस चीज़ के लिए। लेकिन चंद्रवीर जी, बड़ा सवाल ये है कि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो कह रहे थे कि हम भी सनातन को मानते हैं, जो परशुराम रहे हैं उन्होंने 21 बार जो है क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, फिर भी जो है हम उनको बुरा नहीं कहते हैं, सनातनी हैं वो भी, क्योंकि जो शूद्र हैं वो पैरों से पैदा हुए हैं और पैरों में थोड़ी बहुत तो जो है धूल लगी जाती है, उसको सहन करना पड़ता है, ये रक्षा मंत्री के वर्ड है सर। हाँ, ये राजनाथ जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वो उन्हें अब ये उनका मसला है, वो सोचेंगे कि ये क्षत्रिय बाद में फिर से कहाँ से आए, 21 बार क्षत्रिय विहीन पूरी पृथ्वी हो जाने के बाद भी ये क्षत्रिय कहाँ से, कौन से क्षत्रिय हैं, कौन सी औलादे हैं, ये वो लोग कहते हैं कि नाजायज औलादे हैं, तो ये हमारा मसला ना, ये उनका मसला है, वो सोचेंगे, वो विचार करेंगे कि उनको जो है क्या नाम है नाजायज औलाद बताया गया है, बावजूद इसके वो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, तो ये उनका मामला है, अब इनसे कैसे कहा जाए।